लौटी कोको कम्बल में और तनिषा लौटी उधर। मैं उठ गई हूँ और मैं बना रही चाय और हल्की सी लगा दी झाड़ू, फिर जो है सारे बाद में लगाएंगे, पहले चाय पियेंगे। राम राम जी, सभी को क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान जी को राम राम जी। भगवान जी चाय पी लेंगे, चलिए हम भी पी लेते हैं। विवेक के लिए जा रही है, विवेक अभी आया ना तो बार बार इंतजार करने के लिए बाहर जा रही है। बाबू ठंड हो रही बहुत ज़्यादा, आ जाओ यहाँ पर गेट के पास में, क्या कर रही हो? अरे बाबू अभी विवेक आएगा ना, जब विवेक के साथ जाना, ठीक है? चलो अभी दूध फिनिश कर लो, चलो आ जा, आ जा ले चलो अपने बेटा को। मेरे बाबू जाएगी, मेरी बेटी कैसे जाएगी? को ऐसे जाएंगे ना है? अच्छे बच्चे मेरे, जाएगा अंदर, ठंड हो रही बाहर। हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आज है 25 दिसंबर और क्रिसमस डे का दिन, तो यहाँ पर सुबह सुबह चाय पी जा रही है, तो हैप्पी मॉर्निंग के साथ आप भी चाय लीजिए। और अब से जो है बड़े दिन हो जाएंगे, क्योंकि 25 तारीख दिसंबर का दिन, तो बड़े दिन होने लगेंगे और सर्दी का मौसम है ही, तो सभी को क्रिसमस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गाजर का हलवा बनता है आज के दिन हमारे यहाँ पर, तो चलिए थोड़ा सा बनाएंगे। और हमने गुब्बारा फुला लिया है, तो हैप्पी क्रिसमस डे। और देखिए कोको भी खेल रही है गुब्बारे से यहाँ पे, और सर्दी हो रही है तो कमल में बैठे हैं अभी, हल्की सी झाड़ू लगा दी है और चाय बना ली है। और फिर कप हाँ बेटा, कोको मूंगफली खाएगी, तनी से मूंगफली छिल रही है, छिलके उतर के मिली खा के छोड़ देगी। चेक करती है, खाती नहीं हो ज्यादा, तो एक खाती रहती है। ऊपर जाओ, जाओ ऊपर बैठो, ऊपर जाओ, कम चलो चलो, 1 2 3 जंप, ये बात यहाँ आ गई है लड़की। वो खा के भग जाएगी, फिर आएगी फिर खा भग जाएगी। यहाँ पर पोहे के लिए मूंगफली साफ हो रही है, और सर्दी के मौसम में हमारी ये गज्जक देखिए एकदम गोल मटोल, ढेर सारी मूंगफलियों के साथ गुड़ की गज्जक। और यहाँ पर ये मूंगफली है जो हम चाय के साथ खाते हैं। देखो क्या कर ली मेरे बाबू, छोड़ दिया बेटा। अरे मैचिंग मैचिंग हो रही है कोको। ये इसका क्लिप है, बनाया है मैंने, जैसे कि बाजू कटिंग करी ना थोड़ी बड़ी बाजू इसकी। ये देखो, इधर देखो, इधर, या मेरे बेटा गोलो मोलो। चलिए भाई अब अपने अपने काम के लिए हो गए तैयार। यहाँ पर ये पुदीना, अदरक, नींबू पोहे में डालने के लिए, नींबू अदरक तो ये लाए हैं सनीता के पापा, हरी मिर्च लाए हैं, पुदीना लाए, अदरक लाए हैं, नींबू लाए हैं। तो यहाँ पर कोको ने अपना खाना फिनिश कर लिया है और बैठी है, क्योंकि हम भी खाना खाने वाले हैं। और खाने में देखिए यहाँ पर गर्म गर्म रोटियाँ हैं, ये हमारी आलू की जो है फ्राई आलू की सब्जी है, और यहाँ पर ये पोहा नाश्ते में चाय के साथ बना था, ये है दही, और ये है क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर गाजर का हलवा। चलिए फ्रेंड्स, गाजर का हलवा देखिए कितना टेस्टी बन रहा है, और गर्म कर लिया है, खा लिया है, और देखिए रिलैक्स बैठी है मेरी बेटी अभी कोको, खाना फिनिश करके दूध फिनिश करके कैसे बैठी है मेरी बाबू, गोलो मोलो सी गोरी गोरी है, गोलो गोलो गोरी गोरी, प्यारी प्यारी नंदो सी मेरी बेटी है मेरी कोको। खाना तो आपने देख लिया, एक और मीठा, ये हमारी गज्जक, ये देखिए एकदम क्रंची क्रंची। इस पौधे को हम इस गमले में बो रहे हैं, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा, हल्का सा यहाँ पर पत्ती सूखी सूखी सी हो गई है। चलिए निकाल लेते हैं, इसकी पत्ती ना सूख गई है, एक पत्ती ये भी, और इसमें ग्रो हो जा रहा। जल्दी ले इधर लाओ,
बोल लाओ उसे। फ्रेंड्स, मैंने नहाकर ये वाले सूट पहन लिया है मैंने, और पहले गुलाबी रंग का पहन रखा था। तो चलिए शाम की चाय पी लेते हैं, और आज से बड़ा दिन हो जाएगा, 25 दिसंबर है आज, और शाम की चाय होगी रेडी। तो चलिए पी लेते हैं। हम जो है यहाँ पर मनी प्लांट को यहाँ पर एक डिब्बे में रख दिया है, तो इसमें ही उगेगा अब, और बाद में किसी गमले में डाल देंगे। और यहाँ पर हो रहा है छिड़काव दवाई का। तो चलिए हम बनाएंगे अपने घर पे ही टेस्टी सा खाना। तो चलिए क्या क्या बनाएंगे शाम को वो तैयारी कर लेते हैं अभी से ही, क्योंकि 5 बज रहे हैं। ठीक है कोको, ये कोको की गेंद है। ये किसकी है, ये किसकी है, खेलेगी बाबू मेरा। यहाँ पर ग्रेवी हो गई तैयार। मैं वीडियो अब बना रही हूँ, क्योंकि तनिषा, मैं बाहर मतलब अंदर पुदीना साफ कर रही, और तनिषा यहाँ पर बना रही है मोमोज, तंदूरी मोमोज बन रहे हैं। इसमें डाल दिए मलाई, प्याज, हरी मिर्च और ग्रेवी, मतलब सारे मसाले डालकर मंदी गैस पे इसे पकाया जा रहा है। और इसने 2 पैकेट डाल चुकी है, ये देखिए खुले हुए हैं, और अभी 1 पैकेट और डल रहा है। चलिए भाई, इधर कोको भी हमें देख रही है। यहाँ पर ये है घर के बने हुए मोमोज, देखिए एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। चलिए अब यहाँ पर डाले जा रहे हैं। और बस आज बड़े दिन के 25 दिसंबर के दिन, तो ये है तंदूरी मोमोज, मलाई मोमोज, तंदूरी मोमोज और ग्रेवी में भरे हुए मोमोज अंदर तक भर जाएंगे। जो डिजाइन बन रहा है ना इसका, इसमें अंदर तक। खाइए डिप कर कर, और टेस्ट लीजिए सर्दियों का। जोत लग रही है और कोको है अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मोमोज हो गए रेडी, तंदूरी मोमोज हैं ये। और विवेक जोत लगा रहा है, प्रशांत अभी आया नहीं है, उसके पापा नहीं आए, तो यहाँ पर हमने हल्का सा नाश्ता कर लिया, करने के लिए बना लिया तनिषा ने मोमोज, क्योंकि इसका मन था कि कुछ चटपटा सा हो जाए। तो चलिए 25 तारीख दिसंबर का दिन, और ये मोमोज हो गए रेडी, तो खा लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी तनिषा कह रही है कि मम्मी बाहर से मंगा लो मोमोज। मैं कह लगी मन कि ऐसा कर घर पे ही बना ले, बाहर कुछ ना कुछ आ ही रहा है तो कभी कभी ठीक है। और यहाँ पर तनिषा ने बनाने, भाई वाह भाई वाह, बहुत टॉप लग रहे हैं। इसकी ग्रेवी इतनी बढ़िया लग रही है सही में, बहुत अच्छे। विवेक ले ले, बहुत टेस्टी लग रही है सही में। देखिए, और देखिए कोको, देखो ये भी देख रही। आ जाओ मेरे बाबू, बैठ जाओ, सिट, चलो भाई। कोको हमारे पास लौट रही है, देखिए कैसे दौड़ के जाएगी। अरे अभी सो गई, खेलने का सामान कितना सारा रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी गांठ गोभी, तो आज इनकी बारी आ गई है। कई दिन हो गए रखे रखे भाई, अब चलो कटने के लिए हो जाओ तैयार। और आज बनेगी इनकी ग्रेवी वाली मतलब सब्जी, इनके छिलके निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर गांठ गोभी के मैं 5-6 भाग के पीस कर लूँगी, आप चाहे तो काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही बनाए। यहाँ पर ग्राइंडर में हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च पीस ली हैं, उसके बाद यहाँ पर कुकर में तेल चढ़ा दिया है, जीरा डाल दिया है और ग्रेवी डाल दी है। यहाँ पर नमक, हल्दी, लाल मिर्च, कस्तूरी मेथी और हींग के साथ यहाँ पर तड़का लगा दिया है, और यहाँ पर आधा ग्लास पानी भी डाल दिया। इसमें हम जो है 4 सीटी लगाएंगे, और एकदम ताज़ी ताज़ी बनाएं, जब आप लाएं ना तभी उसको बनाएं, साथ के साथ ही बहुत टेस्टी बनती है। और देखिए ग्रेवी वाली सब्जी हो गई तैयार हमारी, आप चाहे तो 4 भागों में पीस काट कर भी बना सकते हैं। तो देखिए टेस्टी सब्जी है रेडी फ्रेंड्स। और वीडियो कैसी लगती रही है इसको लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में इसी तरह। बाय बाय।